नमस्कार। मैंने आपको पिछले वीडियो में 5 लाइन के ऊपर का नोट्स और 2 लाइन के जो बीच में का जो स्पेस का नोट्स है उसके बारे में आपको बताया था। अभी मैं आपको बता नहीं जा रहा हूँ 5 लाइन के नीचे का नोट्स और 5 लाइन के ऊपर का नोट्स के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जब भी हम लोग को नोट्स लिखेंगे, नोटेशन लिखेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रिगर क्लिप है वो हमेशा अपने को बनाना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग चालू करेंगे नोटेशन लिखने के लिए। जैसे अभी वे राउंड, पहले भी राउंड था, अभी भी राउंड है, 16 बिट वाला है। तो अभी ये 2 लाइन राउंड के ऊपर जो 2 लाइन है उसको जी नोट बोलते हैं। राउंड की बीच में 1 लाइन, ऊपर 1 लाइन, इसको ए नोट बोलते हैं। राउंड के ऊपर बी 1 लाइन है, ऊपर बी नोट बोलते। राउंड के बीच में 1 लाइन, उसको सी नोट बोलते। राउंड के बीच में लाइन नहीं है, ऊपर भी नीचे भी नहीं है, तो डी, इसको डी बोलते। ये हो गया 5 लाइन के नीचे के नोट्स हो गए। अब इसके पहले मैंने आपको जो बताया था वही वापस रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट लाइन का ई नोट है, सेकेंड एफ है फर्स्ट स्पेस का, सेकेंड लाइन का जी नोट है, सेकेंड स्पेस का ए नोट है, थर्ड लाइन का बी नोट है, थर्ड स्पेस का सी नोट है, फोर्थ लाइन का डी नोट है, फोर्थ स्पेस का ई नोट है और फिफ्थ लाइन का एफ नोट है। ये मिडल रेंज वाला हो गया, ये लो रेंज है। अभी इसके बाद में आपको जो हाई रेंज वाला नोट से ऊपर का 5 लाइन के ऊपर का नोट्स के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। जैसा राउंड मैंने बनाया है उसको हम लोग जी बोलते, राउंड के बीच में 1 लाइन मैंने बनाया उसको ए नोट बोलते, राउंड के नीचे 1 लाइन बनाया उसको बी नोट बोलते, राउंड के बीच में 1 लाइन, नीचे 1 लाइन इसको सी बोलते, राउंड के नीचे 2 लाइन इसको डी बोलते, राउंड के बीच में 1 लाइन, नीचे 2 लाइन ई बोलते, राउंड के नीचे 3 लाइन है उसको एफ, और राउंड के बीच में 1 लाइन और नीचे 3 लाइन इसको जी बोलते। ये ऊपर के 5 लाइन के ऊपर के नोट्स हो गए, ये हाई रेंज के नोट्स हो गए। अभी लो रेंज, मिडल रेंज एंड हाई रेंज ये आपको मैंने बता दिया। अभी मैं आपको सेपरेट कर रहा हूँ। जैसे अभी मैंने जी नोट बनाया था, अभी जी नोट है लो, इसका कैसा ऑक्टिव आएगा। जैसे जी है नीचे का लो, मिडल सेकेंड लाइन का जी, हाई और 5 लाइन के ऊपर का नोट है जी एंड डबल हाई, डबल ऑक्टिव ओपन बोलते उसको जी बोलते। ये जैसा मैंने आपको बताया वो सेम नोट से। अभी सेम ए नोट है नीचे, जैसा मैंने बताया था राउंड के बीच में 1 लाइन, ऊपर 1 लाइन ए नोट है। ये सेकंड स्पेस का ए नोट है, 5 लाइन के ऊपर का नोट ए नोट है, ए नोट है। ये थर्ड ऑक्टिव हो गया, देन बी लो हो गया, सेकंड लाइन थर्ड लाइन का बी नोट है और 5 लाइन के ऊपर का बी नोट है हाई। ये 1 2 3 1 2 3, ये 3 लो मिडल हाई, लो मिडल हाई, ये 3 रेंज का नोट्स आएंगे। ऐसे सेम है सी नोट है, थर्ड स्पेस का सी नोट है और 5 लाइन के ऊपर का नोट सी नोट है, सेम है जैसा मैंने ऊपर बताया, और लो मिडल हाई। ऐसे डी नोट है, फोर्थ लाइन का डी नोट है, ऊपर का डी नोट है, ये 3 रेंज हो जाएगा लो मिडल हाई। ऐसे फर्स्ट लाइन का ई नोट है, सेकेंड फोर्थ स्पेस का ई नोट है और ऊपर का 5 लाइन के ऊपर का जो एक ग्राउंड में बीच में 1 लाइन, 2 नीचे लाइन ई नोट है, ये 3 हो जाएगा रेंज। ऐसा सेम है फर्स्ट स्पेस का एफ नोट, फिफ्थ लाइन का एफ नोट एंड ऊपर का हाई नोट है एफ नोट। तो राउंड के बीच में 3 लाइन है, नीचे 3 लाइन है, इसको हम लोग 1 ऑक्टिव, सेकेंड ऑक्टिव, थर्ड ऑक्टिव बोलते हैं। ये हम लोग का रेंज वाला आपको नोट बता दिया मैंने। इसे सेम आएगा सेकेंड लाइन का जी नोट, 5 लाइन के ऊपर का जी नोट है और डबल ऑक्टिव का नोट है, नोट से ई जी नोट। ये सारा नोट मैं आपको बता दिया मैंने। अगले वीडियो में आपको मैं जैसा अभी सेमी वीडियो है उसको मिनिमम कैसा लिखते और मिनिमम का कैसा रेंज होता है हाई लो और मिडल एंड डबल ऑक्टिव हाई वो आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।